शुक्रवार को फिरोजाबाद जिला मुख्यालय परिसर एक दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया। मेले में किसानों को इस बात की जानकारी दी गई कि किसान की फसल में अच्छी पैदावार कैसे हो। मेले में किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस दौरान कृषि अधिकारी ने बताया है, किसान बाजरा और धान की फरारी को जला देते हैं, इसके प्रति किसानों को जागरूक भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्ष्य न्यूज, फिरोजाबाद। के द्वारा मेला का आयोजन किया गया, किस तरीके का कार्यक्रम है ये? हमारी एक योजना है इंस्टीट्यूट क्रॉप रिसोर्स मैनेजमेंट की, फसल अवशेष प्रबंधन की है। क्योंकि आप देख रहे होंगे जो हमारे धान की फसल है, बाजरे की फसल, जो अवशेष बचता है किसान जला देते हैं, इससे पर्यावरण का प्रदूषण होता है, मृदा का स्वास्थ्य भी खराब होता है। इसको कैसे हम नियंत्रण करें, इसमें किसानों की जागरूकता करने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसके माध्यम से उन्हें बताना कि सरकार क्या क्या योजनाएँ हैं, जो फसल अवशेष है, खासतौर से धान की पराली है, लोग जला देते हैं, और इसको हम कैसे बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसे यंत्र भी लाई है जिनसे इनके छोटे टुकड़े मर के सीधा कंपोस्ट में काम आ जाती है। मेले का आयोजन कब तक चलेगा सर? आज ये क्योंकि इसमें एक्चुअली आयोजन तो एक ही दिन का है, आज ही का है ही है, जो ये किसानों का वैज्ञानिक हमारे KVK के साथ ही कृषि विभाग के अधिकारी उनको किसानों को बताया जा रहा है कौन सी योजनाएँ हैं, वो तो आप लाभ ले सकते हैं और इसके जलाने क्या नुकसान है। कुल कितनी योजनाएं हैं आपके पास? योजना तो अब इसकी तो यही योजना है, फसल अवशेष की तो एक ही योजना है, इसके अंतर्गत लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम है।